हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो रिवर्क और रिपेयर से रिलेटेड है तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्क एंड रिपेयर रिवर्क और रिपेयर के बीच में क्या डिफरेंस है तो अगर डेफिनेशन देखें तो रिवर्क का डेफिनेशन है कि एक्शन ऑन नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट टू मेक इट कन्फर्म टू रिक्वायरमेंट मतलब कोई भी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है और उस पर हम जब एक्शन लेते हैं और फिर वो हमारे स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट या ड्राइंग को मीट करता है तो ये हुआ रिवर्क मतलब कोई भी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है और उस पर हम जब एक्शन लेते हैं और फिर वो हमारे स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट या ड्राइंग को मीट करता है तो ये हुआ रिवर्क रिपेयर का डेफिनेशन है एक्शन ऑन नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर इंटेंडेड यूज मतलब इसमें भी हम एन सी मतलब नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट पे एक्शन लेते हैं बट उस एक्शन के बाद वो एन सी प्रोडक्ट हमारे स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है बट ये इंटेंडेड यूज़ के लिए एक्सेप्टेबल है मतलब उस प्रोडक्ट का जो यूज़ है या ऐसा कहें उस प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो पूरा होगा बट ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगा तो ये हो गया रिपेयर अब जैसे किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और आपको करेक्ट करना है उस करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी और अगर उस एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के वजह से अगर आपका प्रोडक्ट एक ओके okay प्रोडक्ट बन जाता है मतलब वो प्रोडक्ट ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन को मीट करता है तो ये रिवर्क्ड प्रोडक्ट कहलाएगा और ये एक्टिविटी को हम रिवर्क कहेंगे वहीं अगर यही एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की वजह से प्रोडक्ट ठीक तो हो जाता है बट वो ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन नहीं मीट कर पाता मतलब ड्राइंग में जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा नहीं दिखता बट उस प्रोडक्ट का जो इंटेंडेड यूज़ है वो काम आ रहा तो ये इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे रिपेयर्ड प्रोडक्ट और इस एक्टिविटी को हम रिपेयर कहेंगे आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं रिवर्क का केस लेते हैं सपोज किसी प्रोडक्शन में ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है और उसमें ट्वेल्व पॉइंट जीरो नाइन एम एम का होल ड्रिल होना है बट गलती से सिक्स पॉइंट सेवन एम एम का होल ड्रिल हो गया तो ये नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट कहलाएगा अब इस एन सी प्रोडक्ट पर हम एक्शन लेते हैं और फिर उसी होल को दोबारा ड्रिल करके सिक्स पॉइंट सेवन एम एम से बढ़ा करके टूल्व पॉइंट जीरो एम एम का होल बना देते हैं तो अब हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है तो ये हो गया रिवर्क वहीं दूसरी तरफ रिपेयर का एग्जाम्पल लेते हैं किसी नट में वेल्डिंग सही ना होने की वजह से वो नट निकल गया तो ये नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन गया अब एक्शन क्या लेना है अब इसे फिक्स करने के लिए हम उसी नट में उस एग्जिस्टिंग वेल्डिंग के अलावा दो एक्स्ट्रा वेल्डिंग जॉइंट और फिक्स कर देते हैं तो ये जो दो एक्स्ट्रा वेल्डिंग जॉइंट थे ये हमारे ड्राइंग में स्पेसिफाइड नहीं था बट उस एक्स्ट्रा वेल्डिंग से फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगा और नट का जो इंटेंडेड यूज़ है वो पूरा हो रहा बट ये स्पेसिफिकेशन मीट नहीं कर रहा तो इसे हम रिपेयर प्रोडक्ट कहेंगे तो आइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं पहला पॉइंट है रिवर्क के बाद प्रोडक्ट हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करता है वहीं रिपेयर के बाद प्रोडक्ट इंटेंडेड यूज के लिए सही है बट ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग के रिक्वायरमेंट को कंफर्म नहीं करता सेकेंड पॉइंट रिवर्क करने से पहले कस्टमर अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती बट आई ए टी एफ वन सिक्स नाइन फोर नाइन क्लॉज नंबर एट पॉइंट सेवन पॉइंट वन पॉइंट फाइव के अकॉर्डिंग रिपेयर करने से पहले डॉक्यूमेंटेड कस्टमर अप्रूवल मैंडेटरी है नेक्स्ट पॉइंट रिवर्क प्रोडक्ट का रिस्क लेवल लो होता है वहीं रिपेयर प्रोडक्ट का रिस्क लेवल हाई होता है। IETF 16949 क्लॉज नंबर 8.7.1.4 और 8.7.1.5 के अकॉर्डिंग रिवर्क और रिपेयर दोनों के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर मैंडेटरी है। तो ये रहा रिवर्क और रिपेयर के बीच में डिफरेंस होपफुल्ली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच